इस वीडियो में आप देखेंगे रॉयल एनफील्ड जो बुलेट बाइक होता है, मोटरसाइकिल होता है, उसके साथ हम कैसे कैसे पोज कर सकते हैं फोटोशूट में। तो सबसे पहले पोज में भाई बुलेट को ना साइड स्टैंड के ऊपर खड़ा कर देना है और एक हाथ से ना बुलेट के हैंडल को पकड़ लेना है और एक पैर जो बुलेट का नीचे फुट रेस्ट होता है ना पैर रखने वाला, उसके ऊपर एक पैर रख लेंगे एक, और थोड़ा सा टेढ़े होके बुलेट के ऊपर बैठ जाएंगे, मतलब बैठने वाला जैसे साइड से हम बैठते हैं ना, थोड़ा सा लीन हो जाएंगे उसके ऊपर, पूरा भी नहीं बैठना। और ये वाली फोटो गाइस मैं अपने आईफोन से क्लिक करने लगा हूं और इसमें फोन को मैंने उल्टा कर दिया भाई, उल्टा करके फोटो को क्लिक करा और वाइड एंगल के ऊपर लगाकर, और ऐसे ना जो फील होता है ना बुलेट का अगले वाला टायर वो काफी बड़ा बड़ा सा लगता है, तो फोटो में देख ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट पोज में गाइस हमने बुलेट के ऊपर बैठ जाना है और अपने एक हाथ को ना अपनी एक बाजू को बुलेट के हैंडल के ऊपर ऐसे टिका लेने जैसे हम आराम कर रहे हैं, दूसरा हाथ हैंडल के ऊपर रख सकते हैं और जो देखना हमने वो अपनी साइड में देखना है। बहुत ही बढ़िया। तीसरा पोज, इसमें हमने बुलेट के ऊपर बैठ जाना है, एक हाथ से बुलेट के हैंडल को पकड़ लेना है एंड दूसरे हाथ से ना चाबी को, जैसे हम चाबी लगा रहे हैं अभी स्टार्ट करने लगे हैं वो चीज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रेम कैसे बनाया, थोड़ा सा नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं पूरा फुल फ्रेम आ रहा है सिर से लेके और नीचे बुलेट के टायरों तक, नीचे थोड़ी सी जमीन भी छोड़ी हुई है, तो आप यहाँ पर मेरा फ्रेम ही देख सकते हैं, क्या बात है जी। और ये अगले वाला पोज बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया पोज है, तो इसमें भी हमने एक हाथ से बुलेट के हैंडल को पकड़ लेना है, दूसरा हाथ हमारी पॉकेट में हो सकता है एंड साइड में हमने लुक देनी है। और यहाँ पर देखिए मेरे फोटो खींचने का एंगल देखिए, बिल्कुल सामने से फोटो को नहीं क्लिक कर रहा मैं, थोड़ा सा साइड में से क्लिक कर रहा हूँ फोटो को, ये कैमरा के अंदर देख सकते हैं हमारी जो फोटो आई है एंड इसको हमने एडिट करा था, रीटच करा था फोटोशॉप के अंदर। वैसे जितने भी फोटोज आपको अभी तक दिखाई हैं वो सारी फोटोशॉप के अंदर एडिट करी हैं। अगला पोज, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसमें हमने ना बुलेट के ऊपर बैठना है लेकिन किस तरीके से, एक टांग होगी बुलेट के ऊपर एंड दूसरा पैर होगा जमीन के ऊपर ही, और अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रख सकते होंगे, बुलेट हमारे एक तरह का बेड बना दिया उसके ऊपर आराम कर रहे हैं, क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। अगला पोज, ये बहुत ही सिंपल सा पोज है, इसमें हमने ऐसे एक्टिंग करनी जैसे हम बुलेट को चला रहे हैं लेकिन असली में नहीं चलाना, हमने बुलेट एक ही जगह पर खड़ा रखना है, जिस तरफ से फोटो को खींच रहे हैं ना वो वाली साइड पैर रखने वाली जगह होती है, उसके ऊपर एक पैर रख लेंगे, दूसरा पैर जमीन के ऊपर ही, कुछ इस तरीके से। वो थोड़ा फ्रेम बदल बदल कर मैंने फोटोज को क्लिक करा था, काफी सारी फोटोज थी एंड जो फाइनल सिलेक्ट करके एडिट करी है वो ये आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए ये हमारे 5-6 पोज, 6 हैं शायद, कौन से वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है आपको? बाकी आपको मैं फोटोशॉप का भी थोड़ा सा पार्ट दिखा देता हूँ, काफी सारी चीजें करी थी फोटोशॉप के अंदर, यहाँ पर जैसे स्किन को स्मूथ करा था, लाइट और कलर की एडजस्टमेंट करी थी, बैकग्राउंड को थोड़ा सा और ज्यादा ब्लर करा था, तो काफी कुछ चीजें करी थी मैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मजा जरूर आएगा, कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला होगा। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।